भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी से जो है ब्रह्मानंद नेताम जो है उपचुनाव को लेकर बीजेपी से लड़ेंगे। इस वक्त जो है हमारे साथ ब्रह्मानंद नेताम जी है, आखिर जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। आपको जो है केंद्रीय भाजपा टीम ने जो है टिकट जो है फाइनल कर दिया, क्या कहना चाहिए? मैं तो आपके न्यूज के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे प्रदेश नेतृत्व को, हमारे जिला नेतृत्व को कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज पार्टी ने मुझे विश्वास करके इस भानु प्रतापपुर विधानसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र है वहाँ क्या मुद्दे को लेकर जो है चुनावी मैदान में जनता के बीच हमारे लिए बहुत मुद्दा है, अनेक मुद्दाएँ हैं। ये सरकार जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में आई है तब से यहाँ की जनता जनार्दन हताशा और निराशा है। आज 15 साल में हमने जो काम किए, हमारी सरकार ने जो काम किया और ये सरकार आकर के यहाँ छत्तीसगढ़ को एक दस की नस कर दिया है। चमचमाती हुई चमकती हुई रोड देखा जाता था, लेकिन आज रोड की हालत देखिए कितनी जर्जर स्थिति में है। आप अभी कांकेर से चलकर आए होंगे, आज हमारी कांकेर जिला मुख्यालय को देखिए कितनी जर्जर है, वहाँ की जनता जनार्दन कैसे रह रहे हैं, इस बात को हमें सोचना है। ये कांकेर ही नहीं पूरे प्रदेश में सभी रोड के क्षेत्र में जाए तो कहीं गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। आरक्षण जो है मेन मुद्दा होगा भाजपा की तरफ से, हमारा आरक्षण मेन मुद्दा होगा। 23% आरक्षण हो पिछड़ा वर्ग के लिए, 32% आरक्षण को घटाकर आज 20% कर दिए हमारे आदिवासी भाइयों के लिए। ये सरकार हमारे आदिवासी भाई हताश और निराश हैं, पिछड़ा वर्ग हताश और निराश हैं, किसान भाई हताश और निराश हैं। युवा रोजगार साथी को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कोई सरकार बता दे कि हमारे युवा साथियों को आज रोजगार दिया होगा। किसान भाइयों को पिछले समय में बारदाना के लिए बहुत तरसाया गया, किसान भाई अपनी बार खरीद करके बारदाना दिया गया, उसके आधा पैसा देने का वादा किया था, उसको भी सरकार ने बारदाना के भी पैसा खा गया। आज हमारे क्षेत्र के सरपंच लोग बोलते हैं हम गलत समय में सरपंच बन गए, क्योंकि हमारी हक को छीन लिया। जैसे ही सरकार आई हमारी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से, ग्राम सभा की प्रस्ताव से यहाँ की रेत खदान कर रॉयल्टी करती थी, ग्राम पंचायत रॉयल्टी करती थी, लेकिन ये सरकार आकर के उनकी हक को छीन गया और रेत खदान की रॉयल्टी यहाँ रेत खदानों को नीलामी कर दिया गया। मेरा एक सवाल और भी था, क्योंकि टिकट के दावेदारों में बहुत से लोग होते हैं, क्या आपको टिकट मिलने के बाद किसी तरीके से गुड़बाजी सामने आ सकती है? नहीं नहीं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको मांगने का अधिकार है। टिकट तो एक ही मिलती है पार्टी की, है ना, मांगने वाले हमारे हजार भैया सब हैं, यहाँ ट्राइबल क्षेत्र है, हमारे सबको इच्छा रहती है, सबको सपना रहता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलती है, तो किसी को हताशा और निराशा नहीं होने देती। हम सब साथ मिल करके संगठन की काम करेंगे, भाईचारे की तरह काम करेंगे, एक परिवार की तरह काम करती है पार्टी। एक और मुद्दा चल रहा है, जो आदिवासी समाज है वो लगातार जो है नामांकन फॉर्म खरीद रहा है, कल भी 32 नामांकन फॉर्म उन्होंने खरीदे हैं, आज भी खरीद रहे हैं, उसे लेकर स्वाभाविक है कि ये सरकार से सभी हताशा और निराश हैं। जिस तरह से आदिवासियों को छला जा रहा है, आदिवासियों को रुलाया जा रहा है, उनकी हक को छीना जा रहा है, आज ये आदिवासी समाज नाराज होकर के अनेक हमारे ऐसा समाज के लोग ने भी नामांकन कल दाखिल करने के लिए तैयार हुए। तो ये हमारे साथ जो है ब्रह्मानंद नेताम जी थे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो है सीधा सीधा आरक्षण कटौती को लेकर एक मुख्य मुद्दा रहेगा। तामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।